टॉप लेवल फुटबॉलर्स की लाइफ काफ़ी ग्लैमरस और स्टार स्टडेड रहती है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे ही इनके पास फेम और मनी आती है तो इनके सक्सेस जो है इनके सर पर चढ़ जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे तीन ऐसे मोमेंट्स की जहाँ टॉप लेवल फुटबॉलर्स, और हम बात करेंगे आज टोनी क्रूस, लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जो कि टॉप ऑफ द टॉप फुटबॉलर्स है, उनकी ज़िंदगी के, उनके करियर के कुछ ऐसे मोमेंट्स की जब उन्होंने दिखाया कि वो काफ़ी हम्बल है और वो अपने फैंस को और लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोनी क्रूस की। तो टोनी क्रूस जो है एक वर्ल्ड कप विनर है, 6 बार चैम्पियंस लीग जीत चुके हैं अपने क्लब रियल मैड्रिड के साथ। हालांकि इस सीज़न वो रिटायर कर चुके हैं अपना यूरोस जो है आखिरी बार खेलने के बाद। 2014 में जो है टोनी क्रूस ने वर्ल्ड कप जीता था जर्मनी के साथ। 2014 में जो टोनी क्रूस ने बूट्स पहने थे, हम देख सकते हैं एडिडास एडी प्योर, तो वो बूट्स जो है टोनी क्रूस ने उस साल से लेकर 2014 से लेकर 2024 तक, यानी लगभग 10 साल तक टोनी क्रूस ने अपने शूज़ चेंज नहीं करे हैं। एडिडास ने जो है एडिडास एडी प्योर 11 बनाना भी जो है, मैन्युफैक्चर करना भी जो है बंद कर दिया था, लेकिन सिर्फ स्पेशली फॉर टोनी क्रूस जो है वो ये बूट्स बनाते थे। और टोनी क्रूस जो है वो अपने बूट से इतना प्यार करते हैं कि अपने बूट्स को जो है उसकी वो खुद टेक केयर करते हैं और खुद जो है अपने बूट्स को वॉश करते हैं हर मैच के बाद। गैरेथ बेल जो कि उनके टीममेट रहे हैं रियल मैड्रिड में कुछ सालों तक, उन्होंने भी जो है इस बात का प्रूफ दिया है और वीडियो भी एक शेयर करी थी कि टोनी क्रूस जैसे प्लेयर जो कि वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स एवर में काउंट होते हैं, वो तक अपने जो है फुटबॉल गियर, यानी एक फुटबॉलर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके सॉकर क्लीट्स या फिर उसके फुटबॉल बूट्स जो है उसका जो है अपने आप ध्यान रखते हैं इतने बड़े लेवल के फुटबॉलर होके भी, तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ये दिखाता है कि टोनी क्रूस जो है कितने हम्बल है। हम चलते हैं दूसरी तरफ, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम के बारे में हम बात करेंगे, जो कि लियोनल मेसी। लियोनल मेसी ने जो है अपना 2018 में जो है, हम जानते हैं लियोनल मेसी अब तो जो है इंटरनेशनल उनका कैंपेन काफ़ी अच्छा जा चुका है, एक वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2 कोपा अमेरिका जीत चुके हैं, 1 फाइनल इसीमा जीत चुके हैं। लेकिन 2018 या 2020 तक जो है लियोनल मेसी इंटरनेशनली इतने सक्सेसफुल नहीं रहे थे। 2018 के ग्रुप स्टेजेस, वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में पहला मैच हारने के बाद एक अर्जेंटाइन जर्नलिस्ट ने जो है मेसी को ये रेड कलर का रिबन जो है गिफ्ट करा था। उन्होंने कहा था कि उनकी मदर ने जो है मेसी के लिए ये रिबन जो है दिया है और ये गुड लक चार्म की तरह जो है मेसी के लिए काम करेगा। और मेसी ने जो है इसको फर्स्ट मैच के बाद अपने पास रखा, सेकंड मैच जो है अर्जेंटीना ग्रुप स्टेज में जीतती है और रिपोर्टर जो है वो वापस मेसी से मिलते हैं पोस्ट मैच इंटरव्यू में और मेसी से पूछते हैं, मेसी मैंने आपको फर्स्ट मैच के बाद जो है एक रेड कलर का रिबन दिया था, क्या आपके पास वो अभी भी है? तो मेसी उनको अपना लेफ्ट फीट दिखाते हैं, मेसी लेफ्टी है तो ये फीट उनके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है, वो अपना लेफ्ट फुट दिखाते हैं और कहते हैं देखो मैंने तुम्हारा रिबन जो है जो तुम्हारी मदर ने तुम्हें दिया था मुझे देने के लिए वो मैंने जो है अपने लेफ्ट फुट में बांध रखा है। हमें आगे जाके ये भी पता चलता है मेसी ने काफ़ी प्लेयर्स जैसे कुन अगुएरो और पॉलो डिबाला उनको भी ये रेड रिबन जो है पास ऑन करा है उनके गुड लक के लिए। और हमने वर्ल्ड कप 2022 की सेलिब्रेशंस में देखा था कि मेसी जिन्होंने जब लिसैंड्रो मार्टिनेस के साथ एक फ़ोटो डाली थी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने तब भी जो है ये रेड रिबन पहन रखा था। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मैटर करती है और मेसी ने हमें दिखाया कि कैसे एक जर्नलिस्ट का रिबन बांधना भी जो है उनके लिए कितना ऑस्पिशियस रहा, कितना लकी रहा ये रिबन, क्योंकि इसके बाद जो है इंटरनेशनली मेसी जो है काफ़ी कंप्लीट अपना ट्रॉफी कैबिनेट कर पाए हैं, एक वर्ल्ड कप जीता, 2 कोपा अमेरिका जीता इस रिबन के आने से, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ऑफकोर्स जो है रिपोर्टर की बात सच निकली, रिपोर्टर की मदर की बात सच निकली कि ये रिबन जो है उनके लिए एक लकी चार्म की तरह काम कर चुका है। हम बात करेंगे आखिरी में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, वन ऑफ द बेस्ट गोल स्कोरर्स ऑफ द गेम, बेस्ट प्लेयर एवर में काउंट होते हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2013 में जो है बैलन डॉर जीते थे। बैलन डॉर अगर आपको नहीं पता तो इंडिविजुअल फुटबॉलर के लिए, किसी भी फुटबॉलर के लिए बेस्ट जो है अवार्ड होता है, जो बेस्ट फुटबॉलर होता है उस सीज़न का या पास्ट ईयर का उसको ये प्राइज़ जो है दिया जाता है। इसकी जो है वोटिंग जर्नलिस्ट करते हैं, टॉप 100 जर्नलिस्ट हर कंट्री के आते हैं और वोट करते हैं। तो 2013 में, 2013 से पहले हम आपको कॉन्टेक्स्ट दें तो 2009, 10, 11, 12 चार साल जो है मेसी लगातार बैलन डॉर जीते थे। उससे पहले 2008 में जो है रोनाल्डो अपना पहला बैलन डॉर जीत चुके थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, पर 2009 से लेकर 2012 तक मेसी ने चार साल जो है लगातार बैलन डॉर जीता। और फाइनली जब रोनाल्डो ने एक साल में 69 गोल्स मारे तब उन्हें जाके जो है 2013 का बैलन डॉर मिला और ये उनके लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने मेसी की जो है
स्ट्रीक तोड़ी थी 4 बैलन डोर की, क्योंकि कुछ लोग जो है स्पेकुलेट कर रहे थे कि मेसी अगर फिर से चैम्पियंस लीग जीतेंगे या फिर जो है लीग में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें जो है 5th बैलन डोर लगातार मिल सकता है। वो पहले ऐसे इंसान होते जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के 5th बैलन डोर लेते, बट रोनाल्डो ने उस साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा, लीग जीती और जिसकी मदद से जो है उन्हें ये बैलन डोर मिला। और रोनाल्डो के बैलन डोर जीतते ही वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि जो है उन्होंने 4 साल की लियोनेल मेसी की स्ट्रीक तोड़ी। उसके बाद हमें एक काफ़ी शॉकिंग फैक्ट ये पता चलता है कि रोनाल्डो ने जो है ये बैलन डोर 600,000 यूरोस के लिए इडन ऑफर, जो कि 9.1 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्क रखते हैं इसराइल के बिजनेसमैन है, उनको जो है ये ऑक्शन में सेल कर दिया था। और इसके पीछे एक कारण है कि रोनाल्डो ने जो है मेक अ विश फाउंडेशन को ये सारे पैसे जो है डोनेट करे थे। तो आप सोचिए रोनाल्डो जैसे इंसान जिसके लिए ये अवार्ड इतना मैटर करता है, क्योंकि मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी हम सब जानते हैं काफ़ी पीक पे थी उस टाइम पे, और रोनाल्डो ने जो है अपना बैलन डोर जो है ऑक्शन कर दिया था सिर्फ इसलिए ताकि वो एक एनजीओ फाउंडेशन को जो है जो मनी है वो डोनेट कर सके। तो ये 3 मूवमेंट्स से जिनसे हमें पता चलता है कि टॉप लेवल पे भी जो है फुटबॉलर्स एरोगेंट नहीं होते हैं, कभी कभी वो हमें अपनी हम्बलनेस और जो है अपनी काइंडनेस शो करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई किस्सा और याद आता है जिसमें फुटबॉलर्स जो है अपने फैंस के लिए अप्रिसिएशन दिखाते हैं या अपनी काइंडनेस दिखाते हैं, अपनी हम्बलनेस दिखाते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।